नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत के अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान, 8 सैटेलाइट के साथ पीएसएलवी लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को स्कैटसैट 1 और 7 अन्य उपग्रहों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-35 का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले प्रक्षेपण स्थल से सुबह 9:12 प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण की लॉन्चिंग के लिए 48 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती शनिवार सुबह 8:42 शुरू हुई थी। यह पूरा मिशन 2 घंटे 15 मिनट और लगभग 33 सेकंड का है। यह इसरो का अब तक सबसे लंबा मिशन है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसमें उपग्रहों को अलग अलग ऊंचाई वाले कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। पीएसएलवी से प्रक्षेपित होने वाले 8 उपग्रहों में भारतीय और दूसरे देशों के उपग्रह शामिल हैं। इनमें भारत के 3, अमेरिका का 1, कनाडा का 1 और अल्जीरिया के 3 उपग्रह हैं। 3 भारतीय उपग्रहों में से प्रथम उपग्रह को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे के छात्रों ने विदेशी विश्वविद्यालय की मदद से तैयार किया है। दूसरे उपग्रह पिसाट को पीएससी विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने तैयार किया है। स्कैटसैट 1 प्रारंभिक उपग्रह भी है जो मौसम की भविष्यवाणी करने और चक्रवातों का पता लगाएगा। नस्लवादी कमेंट्स पर पाकिस्तानी अभिनेता को शो से निकाला गया। कश्मीर मुद्दे पर भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक नस्लीय ट्वीट करने वाले पाकिस्तानी अभिनेता मार्क अनवर को ब्रिटिश सीरियल कॉरोनेशन स्ट्रीट से बाहर कर दिया गया। 45 साल के अनवर फरवरी 2014 में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आईटीवी चैनल ने कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। काफी समय से चल रहे इस सीरियल में अनवर शरीफ नजीर नाम का किरदार निभा रहे थे। जब संडे मिरर अखबार के जरिए आईटीवी नेटवर्क के प्रमुखों को अनवर की नस्लीय ट्वीटों के बारे में पता चला तो उन्होंने अभिनेता को इस धारावाहिक से बाहर कर दिया। इंडोनेशिया में बाढ़ भूस्खलन से 36 मरे। इंडोनेशिया में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है और राहत और बचाव कर्मी अभी भी बाढ़ में लापता 22 लोगों को तलाश कर रहे हैं। स्थानीय आपदा एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक इस सप्ताह आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद से अब तक 36 लोगों के शव को निकाला गया है। आपदा अधिकारी ने कहा कि बाढ़ के कारण बेघर करीब 6,361 लोग अभी भी सरकारी इमारतों तथा सैन्य स्टेशनों में रह रहे हैं।